उत्तर प्रदेश के हरदोई में भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर हरदोई के रसखान प्रेक्षागृह में जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम कराया गया है, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद पूर्णिमा वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर जनपद स्तरीय विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया तथा लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व उपकरण भी वितरित किए गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा अपने संबोधन में सरकार की लाभार्थी परक विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जमकर बखान किया गया। कार्यक्रम में विधायक रजनी तिवारी, विधायक रामपाल वर्मा व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव आदि मौजूद रहे। बड़ी उपलब्धि, देखिए आज प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अनेक उपलब्धियां प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त की गई हैं। यहाँ पर इससे स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी लाभार्थियों को शौचालय, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय उपलब्ध कराए और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी बीपीएल परिवारों का, जितने भी बीपीएल परिवार थे उनमें कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार से अनेक जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनका धरातल पर क्रियान्वयन जिला प्रशासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में कराया गया। अगर हम उपलब्धि की बात करें तो जो जनपद के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होने जा रही है जो निकट भविष्य में वो होगा यहाँ का मेडिकल कॉलेज, जो शीघ्र ही पूर्ण होने के उपरांत जिसको चालू करा दिया जाएगा। और इस प्रकार से और दूसरी कुछ बड़ी योजनाओं की अगर हम बात करें तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काफ़ी यहाँ पे 10 के करीब बनाए गए हैं और जो बाढ़ प्रबंधन के लिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 करोड़ के लगभग सैंक्शन किया गया है परियोजनाओं के लिए। जी नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य जो किया गया, जिससे किसान काफ़ी लाभान्वित हैं। कई किसानों से बात करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इन टेलों में आज तक कभी पानी नहीं आया था। और एक और जो किसानों के लिए जो उनके द्वारा कदम उठाए गए हैं तो उसमें सबसे बड़ा कदम है मूल्य समर्थन योजना, जिसके तहत कृषकों को प्रत्येक वर्ष हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड खरीद करी है, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे मक्का हो, हर वर्ष हम लोगों ने इसमें बढ़ोतरी करते हुए रिकॉर्ड खरीद करी गई है। और इसी पर कई मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सशक्त किया गया है और उनको, उनके महिला सहायता समूहों को काफ़ी नए नए दायित्व दिए गए हैं, जैसे बिजली के बिल का कलेक्शन करना और राशन की दुकानों का संचालन करना, उनको आत्मनिर्भर बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो 4 वर्ष प्रदेश सरकार के आज पूरे हो रहे हैं उसमें जितनी भी लाभार्थी परक योजना है उनसे जनपद वासियों को काफ़ी लाभ पहुंचा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो एक वर्ष जो अभी प्रदेश सरकार का है उसमें जिस जो भी दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जाएंगे उसका जिला प्रशासन अपने संपूर्ण मनोयोग के साथ आज क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएगा। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।